रात भर दर्द की शाख पर। अगर आप बजा रहे हैं तो एक बार ताली बजा। हाँ, रात भर दर्द की शाख पर। रात भर दर्द की शाख पर एक दिया झिलमिलाता रहा। रात भर दर्द की शाख पर, रात भर दर्द की शाख पर एक दिया झिलमिलाता रहा। रात भर दर्द की शाख पर एक दिया झिलमिलाता रहा। आंख मंजर बनाती रही और दिल मुस्कुराता रहा। आंख मंजर बनाती रही और दिल मुस्कुराता रहा। और दिल मुस्कुराता रहा। रात भर दर्द की शाख पर। अजमाई जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया दोस्तों। दो लाइनें ये सुने क्या आप मजे से सुन रहे हैं। मेरा मूड बहुत बन गया और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। सुनिएगा। रात आंख मंजर बनाती रही और दिल मुस्कुराता रहा। और दिल मुस्कुराता रहा। पानियों में उतरते हुए, पानियों में उतरते हुए मैंने उसको पुकारा नहीं। अच्छा है, देखिए कितना प्यारा दोस्त था मेरा बैठा रहा किनारे। पानियों में उतरते हुए मैंने उसको पुकारा नहीं। वो किनारे पे बैठा हुआ एक ताल्लुक निभाता रहा। किनारे पे बैठा हुआ एक ताल्लुक निभाता रहा। एक ताल्लुक निभाता रहा। और दोस्तों कुमार विश्वास जी बैठे ही बिल्कुल नया शेर है। और अगर ये नया ना हो तो मैं फिर कह रहा हूँ आपसे एक शख्स भी ताली ना बजाए। और अगर नया हो और अच्छा हो तो कोई भी शख्स खामोश ना रहे। ये आपके लिए मैं बिल्कुल कह रहा हूँ जी भाई नायक। वो किनारे पे बैठा हुआ एक ताल्लुक निभाता रहा। सुनिएगा। रात भर ओस में भीग कर चांद को ऐसी सर्दी लगी। हाय हाय हाय, मिश्राई कमाल। एक बार तो इस पे ही तालियां। वाह वाह वाह। रात भर ओस में भीग कर चांद को। लड़की का नाम अच्छा है भाई साहब। बहुत रात भर ओस में भीग कर चांद को ऐसी सर्दी लगी। सारा दिन धूप में बैठ कर अपने कपड़े सुखाता रहा। अनिल साहब क्या बात है। वाह वाह, क्या आपने लफंगई को शायरी बनाया। वाह वाह, क्या छत पे बैठी है एक लड़की। वाह, एक बार फिर भाई साहब बहुत जी। रात भर ओस में भीग कर चांद को ऐसी सर्दी लगी। सारा दिन धूप में बैठ कर अपने कपड़े सुखाता रहा। इसी लहजे में दो तीन शेर और सुनाता हूँ जी भाई। मजा आ गया। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मुझे मजा आ गया, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं। मैं तो बहुत धन्य हो गया। सुबह तक चाहतों के दिए, सुबह तक चाहतों के दिए आंधियों में जलाएगा कौन। सुबह तक चाहतों के दिए आंधियों में जलाएगा कौन। दास्तां खत्म होने को है अब मोहब्बत निभा।
भाए को है अब मोहब्बत निभाएगा कौन, सुबह तक चाहतों के दिए। अब ये सुने दो लाइनें, बड़ा मजा आएगा इनमें जी भाई। सुबह तक चाहत होशियारी से जादू दिखा, ऐ नए दौर की साहिरा। साहिरा कहते जादूगरनी को। होशियारी से जादू दिखा, ऐ नए दौर की सुबह तक चाहतों के दिए आंधियों में जलाएगा कौन। सब शरीक हों। होशियारी से जादू दिखा, ऐ नए दौर की साहिरा। तू ही पत्थर अगर हो गई, हमको इंसान बनाएगा कौन। तू ही पत्थर अगर हो गई। और दोस्तों ये दो लाइनें मेरे एक दोस्त हैं, उन्हें जब हार्ट अटैक हुआ तो उनके बेटों ने मुझसे कहा फोन करके कि अंकल हमें तो पापा ने परेशान कर दिया, एक महीना हो गया अभी बीमार रहे। तो इसी मैं ये गजल कह रहा था, ये उसी कैफियत में दो लाइनें हुई। और एक एक शख्स का अगर दर्द हो तो ये शरीक हो जाए मेरे साथ जी अजम साहब। दास्ता खत्म होने को है अब मोहब्बत निभाएगा कौन। सुनिएगा ये शेर जी। आंधियों से बचा कर रखो अपने आंगन का बूढ़ा शजर। हाय 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 हाय, क्या बात। आंधियों से बचा कर रखो अपने आंगन का बूढ़ा शजर, ये शजर ही अगर गिर गया फिर कहानी सुनाएगा कौन। एक गजल मैंने कही थी लॉकडाउन के जमाने में जी भाई, दो तीन शेर उसके सुन लें और कुमार जी मुझे बता दीजिएगा। अरे अरे पढ़िए, मजा आ रहा है, क्या बात है, एक बार तालियां बजा के बताइए आप। मैं समय की भी कभी कभी सीमाएं होती हैं, तो मैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार तालियां बजा दीजिए और सुनिए। बड़ी सर्द है हवाएं, बड़ी सर्द है हवाएं, शबे गम पिघल रही है। बड़ी सर्द है हवाएं, बड़ी सर्द है हवाएं, शबे गम पिघल रही है। वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है। कोई शाख जल रही है। अब ये दो लाइनें कोरोना में, कोरोना के ये दो साल हम पर जिस कयामत और जिस तकलीफ के गुजरे, मैंने ये इसमें इसे शायरी बनाया है, सुन ले जी भाई। वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है। अगर अच्छा हो तो सब शरीक हो, अच्छा ना हो तो कोई शरीक ना। वो धुआं सा उठ रहा है, आज मैं बहुत बातें कर रहा हूँ, मैंने इतनी बातें कर नहीं पाता, लेकिन मैं पता नहीं आज क्यों कर रहा हूँ इतनी बातें जी। वो धुआं सा उठ रहा है, ये भाई जो हमारे हाथ बांधे पांधे बैठे हुए हैं सर, आपकी एक बार अगर तालियां बज जाएंगे तो मैं बचूंगा, तो मैं कामयाब होगा। कभी धुआं सा उठेगा, धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है। अब सुनिएगा कोरोना का दर्द। मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में, मुझे एक
कहे कर न बहाओ पानियों में, मेरा हाथ छू के देखो हा? मेरी नब्ज चल रही है, हाथ छू के देखो मेरी नब्ज चल रही है। मैंने जब ये शेर कहा तो मेरे दोस्त कहने लगे, यार ये शेर किसी ऐसे शख्स की नजर कर दो जिसकी शादी जरा देर से हुई है। तो मैंने कहा भाई इसका ये भी मतलब हो सकता है, मैंने समझा ही नहीं था। वो धुआं, अब सुने, वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है, मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए, मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए, मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए, वो तो फूल फल रहे हैं, मेरी उम्र ढल रही है, मेरी उम्र ढल रही है, वो धुआं सा उठ रहा है हजार जख्म दे में, मगर अब भी हंस रहा हूँ। सर सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको शेर में। वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है हजार जख्म दिल में, मगर अब भी हंस रहा हूँ, मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है, मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है। एक मतलब दो तीन शेर छोटी छोटी बहनों के सुनाता हूँ जरा, ये मेरी बहनें बैठी हैं, एक शेर इन लोगों के लिए है, बहनों के लिए। जी भाई सुने। जब हम अपने घर आए, बहुत ही बढ़िया गजल है। जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, आँख में आंसू भर लाए। यार एक शेर पढ़ता हूँ और एक शख्स को याद आता है, जब भी जरा सा माहौल बनता है फिर कोई एक शख्स आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे फिर किसी ने कंकर मार दिया ठहरे हुए। तो नीर का एक शेर है, वो सुनाऊंगा तो जरूर समझ में जितने लोगों के। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगह शीशा घरी का, शायरी सुनाने से ज्यादा मुश्किल काम सुनना है। आए हाय हाय। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कोई भी जाता है तो ऐसा लगता है कि मेरे गजल के सीने पे पांव रख के जा रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल, मैं बहुत भावुक आदमी हूँ और इस तरह की शायरी भी ऐसी करता हूँ। सुनिएगा। जी भाई। जब हम अपने घर आए, आँख में आंसू भर आए। अब सुने मेरी बहन और भाई भी सुने। आँख में आंसू भर आए, चिड़िया रो कर कहती है, चिड़िया रो कर कहती है, क्यों बच्चों के पर आए। वाह 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 भाई, क्या कह दिया, वाह वाह भाई, चिड़िया रो कर कहते हैं, आंसू भर आए, चिड़िया रो कर कहती है, क्यों बच्चों के पर आए, अंदर दम घुट जाएगा, अंदर दम घुट जाएगा, उससे कहो बाहर आए, उससे कहो बाहर आए। और बावरा जी के लिए एक शेर है, सुनिए जी। उससे कहो बाहर आए, अगर सही हो तो सब लोग तालियां बजा दें। आंख में आंसू भर आए, बात भी करनी मुश्किल है, बात भी करनी मुश्किल है, क्यों इतनी पी कर आए।
क्यों इतनी पी। इसी लहजे में दो तीन शेर बड़े मशहूर हुए और बहुत लोगों ने भी, जिन लोगों ने भी सुनाए वो भी बहुत वायरल हुए इन शेरों से। लाखों सदमे ढेरों गम, क्या शेर है। लाखों सदमे ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम, फिर भी नहीं है आंखें नम। आप खामोश रहें, लेकिन जहां आपको दाद देनी हो, जरूर तालियां बजानी हो, जरूर बजाइएगा। अभी नहीं, जब ये मैं सुना, दो लाइनें और सुनाता हूं। भाई फिर भी नहीं है आंखें नम, लाखों सदमे ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम, एक मुद्दत से रोए नहीं। क्या शेर है ये। एक मुद्दत से रोए नहीं, क्या पत्थर के हो गए हम। आए हाय हाय, आए हाय, वाह 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 वाह, आलम साहब जिंदाबाद। क्या पत्थर के हो गए हम, क्या पत्थर के हो गए हम। अब ये कुमार भाई आपने शेर नहीं सुना, बस नहीं जी भाई ना। क्या पत्थर के हो गए हम, इश्क हमारा मजहब है। बेशक सुनिएगा दोस्त। इश्क हमारा मजहब है, हम क्या जाने दीन धर्म। वाह वाह, हम क्या जाने दीन धर्म। अब जख्म, अब भी खामोश नहीं रह पाएंगे। हम क्या जाने दीन धर्म, अब जख्मों में ताब नहीं। अब जख्मों में ताब नहीं, अब क्यों लाए हो मरहम। हाय 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 हाय, अब क्यों लाए। बहुत जबरदस्त, जोरदार तालियां, वाह 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 वाह।